पीएम मोदी से मुलाकात से पहले एनएसए अजय डोभाल से मिले अमेरिकी विदेश मंत्री, कई अहम मुद्दों पर की चर्चा। महंगाई की मार से परेशान जनता, केंद्र सरकार ने संसद में बताया क्यों पेट्रोल और डीजल के बढ़ रहे दाम। क्वार्टर फाइनल में पहुंची मुक्केबाज पूजा रानी, दूसरे दौर में तीरंदाज दीपिका कुमारी ने किया प्रवेश। बैंक डूबने पर अब 90 दिन के भीतर मिलेगा खाताधारकों को पैसा, मोदी सरकार लाने जा रही नया बिल। रिजर्व बैंक ने डिजिटल करेंसी के रूप में रुपया का आइडिया किया पेश। नमस्कार, स्वागत है आपका, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, में कीर्ति लेकर हाजिर हूं। मध्यप्रदेश की कुछ खास खबरें। मध्यप्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह पर निशाना साधा है। उन्होंने दिग्विजय सिंह के किए गए ट्वीट पर कहा कि उमंग सिंगार ने खुद बताया था कि दिग्विजय सिंह प्रदेश के सबसे बड़े शराब माफिया है। वहीं नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि सरकार अवैध शराब के कारोबार पर लगातार कार्रवाई कर रही है, इसके साथ ही शराब माफियाओं पर भी शिकंजा कसा जा रहा है, माफियाओं के अवैध निर्माण तोड़े जा रहे हैं। मध्यप्रदेश में लगातार हो रही बारिश के बाद लोगों को गर्मी से राहत मिली है। वहीं नगरीय निकाय मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा कि सभी नगरीय निकाय को निर्देश दिए गए थे कि मॉनसून आने के पूर्व ही नालों की साफ सफाई व जलभराव की स्थिति को देखते हुए तैयारियां पूरी करें। मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा कि नगरीय निकाय विभाग ने प्रदेश के सभी नगर पालिका व नगर पंचायतों को फंड जारी कर नाला निर्माण व साफ सफाई के लिए आदेशित किया था। पूरे प्रदेश में मॉनसून आने से पहले ही सभी कार्यों को पूरा कर लिया जाए, इसके भी निर्देश दिए गए थे। 5 दिनों की लगातार हो रही बारिश में कोई भी घटना सामने नहीं आई है। देखिए, हम लोगों ने पहले से लगभग एक माह पहले, मानसून के एक माह पहले, नगरी प्रशासन विभाग ने हमारे जो प्रदेश की सारी नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायतें हैं, इनमें सब में हम लोगों ने नाला जो है, जहाँ पर नाले बनाना है, जहाँ पर नालों की सफाई करना है, नालों का निर्माण करना है, इसके लिए हम लोगों ने फंड दिया हुआ है और उस फंड से सभी जगह ये नालों का, जहाँ पर भी ड्रेनेज प्रॉब्लम है, वो सारा काम चल रहा है। और अभी तक आपने 4 दिन की बारिश में देखा, ऐसी कोई बड़ी मेजर घटना कहीं से सामने नहीं आई है और हम पूरी तरह से सतर्क हैं और सभी अधिकारियों को भी। कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व के निर्देश पर भोपाल में 15 अगस्त के बाद बांग्लादेश मुक्ति उत्सव मनाया जाएगा। ये कार्यक्रम अगले 5 महीने दिसंबर तक मनाया जाएगा। वहीं बांग्लादेश की आजादी की 50वीं वर्षगांठ पर प्रदेश कांग्रेस 15 अगस्त के बाद इस उत्सव की शुरुआत करेगी। ये कार्यक्रम प्रदेश स्तर से लेकर जिला स्तर और बूथ स्तर तक आयोजित किए जाएंगे, जिसके लिए प्रदेश कमेटी का गठन भी किया गया है, जिसकी अध्यक्षता कमलनाथ करेंगे। वहीं कार्यक्रम को योजनाबद्ध तरीके से करने के लिए प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक होगी और साथ ही जिला स्तर में भी ये निर्णय लिया जाएगा कि बूथ स्तर तक कार्यक्रम कैसे किए जाए। 29 तारीख को जो हमारे 3 उपचुनाव हो रहे हैं विधानसभा के और एक लोकसभा का चुनाव है, उसकी तैयारी के लिए कमलनाथ जी ने उस क्षेत्र के सभी जिला कांग्रेस के अध्यक्षों को, वहाँ के विधायकों को, वहाँ पर जो विधानसभा लोकसभा के प्रत्याशी रहे उनको, वहाँ के जो हमारे चारों फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन है, युवक कांग्रेस, महिला कांग्रेस, सेवा दल एन एस वाई, उनके पदाधिकारियों को बुलाया है। इस बैठक में हमारे प्रदेश के प्रमुख पूर्व नेता जो हमारे रहे अध्यक्ष, वो भी रहेंगे और रणनीति पर विचार किया जाएगा। किंतु ये बात निश्चित है कि हम 3 विधानसभा और 1 लोकसभा जीतने जा रहे हैं, हमारी पूरी तैयारी इसके संबंध। मंदसौर जिले में जहरीली अवैध शराब से हुई मौतों के बावजूद शराब माफिया बेखौफ होकर अवैध शराब की तस्करी करने में लगे हैं। ताजा मामला धार जिला मुख्यालय में सामने आया है, जहां मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने एक पिकअप
वाहन और एक ऑल्टो कार से 2.25 लाख रुपए कीमत की 45 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब बरामद की है। थाना प्रभारी कमल सिंह पवार ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर धार की कैलाश नगर जेतपुरा के पास घेराबंदी की गई। इस दौरान पुलिस ने एक पिकअप वाहन और ऑल्टो कार को रोककर जांच की तो उसमें से अवैध शराब बरामद हुई। अवैध शराब के साथ ही 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। आज दिनांक 27/7/2021 को आज हमारी चेकिंग टीम और मुखबिर की सूचना पर कैलाश नगर घटनास्थल कैलाश नगर धार के यहाँ पर एक वाहन बोलेरो पिकअप MP04GA5196 और एक वाहन अल्टो MP09WV7277 से कुल 45 पेटी शराब अवैध रूप से कुल 3,900 बड़वानी के राजपुर थाना क्षेत्र के ग्राम दानोद में रिश्तों को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है, जहां सौतेले पिता ने अपनी बेटी की गला रेतकर हत्या कर दी। दरअसल मृतका सिद्धि की शादी 15 दिन पहले हुई थी और तीन दिन पहले ही उसका पिता उसे ससुराल से लेकर आया था, लेकिन अब सिद्धि को उसका पिता ससुराल भेजने से इनकार कर रहा था क्योंकि वो उसे बेचने के फिराक में था, जिसका विरोध करने पर उसने अपनी बेटी की हत्या कर दी। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जाँच शुरू कर दी है। लड़की अपने पति के साथ जाना चाहती थी, लेकिन वो उसका जो सौतेला बाप कमल मलाई है जो कहीं इंदौर में सौदा किया है 1 लाख रुपए में बता रहे हैं, और उसके साथ ज़बरदस्ती भेजना चाह रहा था, उसने मना करने पर उसका गला चाकू से रेत कर उसकी हत्या कर दी है। हरदा जिले में अपराधियों के खिलाफ पुलिस लगातार अभियान चला रही है। पुलिस ने इसी अभियान के तहत मुखबिर की सूचना पर अवैध असलाह के साथ 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से पिस्टल कारतूस भी बरामद किए गए हैं। आरोपियों ने पुलिस को बताया कि अवैध असलहे को खरगोन से लाकर हरदा, बैतूल, इंदौर और नरसिंहपुर में भेजा जाता है। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करते हुए उन्हें जेल भेज दिया है। विजयनगर पुलिस ने गैंगस्टर सतीश भाऊ, चिंटू ठाकुर, शूटर रितेश करोसिया और मोनू उर्फ सुचित का जुलूस निकाला, जिसके बाद पुलिस सतीश भाऊ को उसके महालक्ष्मी नगर स्थित फ्लैट में ले जाकर तलाशी ली, जहां से पुलिस ने पिस्टल बरामद की है। गैंगस्टर भाऊ के 3 मोबाइल नंबर SIT को मिले हैं। इन 3 नंबरों से वो किस किस से संपर्क कर रहा था और फरार होने में कौन कौन उसकी मदद कर रहा था, इसकी भी जाँच की जा रही है। खजराना पुलिस ने लंबे समय से फरार चल रहे जयेंद्र बम को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। गिरफ्तार करने के बाद पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। दरअसल इंदौर की खजराना पुलिस को सोमवार रात मुखबिर से सूचना मिली कि लंबे समय से फरार चल रहा भू माफिया जयेंद्र बम पलासिया क्षेत्र में देखा गया है, जिसके बाद पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। हिमाचल प्रदेश में पिछले दिनों हुई भूस्खलन की प्राकृतिक आपदा में भारतीय नौसेना के लेफ्टिनेंट उमोद बापट की मौत हो गई थी, जिसकी खबर कोरबा जिले के लिए किसी बड़े आघात से कम नहीं है। कोरबा के दरी कॉलोनी निवासी लेफ्टिनेंट उमोद बापट का आज सुबह दर्री मुक्तिधाम में जनसामान्य एक विशिष्ट जनों की उपस्थिति में अंतिम संस्कार किया गया। अंतिम संस्कार में कलेक्टर रानू साहू ने पहुंचकर पार्थिव शरीर पर पुष्प चक्र अर्पित कर बापट परिवार के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त की। लेफ्टिनेंट उमोद बापट को जिला पुलिस बल द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया है। मंदसौर में जहरीली शराब से 4 लोगों की मौत के बाद पुलिस प्रशासन हरकत में आ गई। पुलिस लगातार अवैध शराब के ठिकानों और ढाबों पर छापेमारी कर रही है। बता दें कि पिछले 2 दिनों में पुलिस ने अवैध शराब के कई ठिकानों पर ध्वस्त किया है। इसके साथ ही अवैध शराब माफियाओं को गिरफ्तार किया गया। वहीं पुलिस ने सड़क किनारे बने ढाबों पर कार्रवाई करते हुए उन्हें तोड़ दिया, क्योंकि इन ढाबों पर खाने के साथ ही शराब की बिक्री भी की जा रही थी। रायसेन जिले के बेगमगंज में संयुक्त मोर्चा कर्मचारियों के धरने का आज 7वां दिन है। कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर पिछले 22 जुलाई से अनशन पर है।
उनका कहना है कि जब तक सरकार उनकी मांगों को पूरा नहीं करती है तब तक ये धरना जारी रहेगा। संविदा कर्मी और अन्य कर्मचारी का कहना है कि वो लोग पिछले कई दिनों से अपनी मांगों को लेकर धरना दे रहे हैं लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से कोई जवाब नहीं आया है। रोजगार सहायक संघ, सचिव संघ, एसबीएम संघ, मनरेगा संघ, सीओ संघ, आवास मिशन, एनआरएलएम संघ, सभी विभागों के पूरे कर्मचारी मिलकर सरकार के साथ सरकार से अपनी अनार्थिक मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हैं। आज हमारी हड़ताल का सातवां दिवस है लेकिन सरकार के द्वारा अभी तक हम रतलाम के राजेंद्र नगर में मेडिकल स्टोर पर प्रतिबंधित इंजेक्शन की बिक्री की जा रही है। इसकी सूचना मिलते ही पुलिस के साथ खाद्य एवं औद्योगिक विभाग ने छापेमारी की। इस दौरान मेडिकल स्टोर से भारी मात्रा में इंजेक्शन जब्त किए गए हैं। मेडिकल स्टोर पर पिछले काफी दिनों से प्रतिबंधित दवाइयों और इंजेक्शन को बेचा जा रहा था। फिलहाल ड्रग विभाग ने मेडिकल स्टोर को सील कर दिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गया है। कि फ्रिज में रखे हुए एविल इंजेक्शंस में से कुछ इंजेक्शंस के लेबल्स निकाल दिए गए हैं, मतलब जो इंजेक्शंस दिए जाते हैं बिना प्रिस्क्रिप्शन के वो लेबल निकाल के ही दिए जाते हैं। इसके साथ ही गले में रखे हुए पुलिस द्वारा हस्ताक्षरित किए हुए बिल्स भी नोट भी गले से जब्त किए गए हैं। और एविल इंजेक्शन जो छोटे वाले होते हैं 2 ml इंजेक्शंस 25 की क्वांटिटी में पाए गए हैं। क्रय विक्रय दस्तावेज नहीं प्रस्तुत किए गए हैं जिसकी आगामी कार्रवाई की जाएगी। ये काफ़ी लंबे समय से शिकायत आ रही थी इनकी, पिछले करीब 15-20 दिनों से लोकल के जो रहवासी हैं वो शिकायत कर रहे थे कि ये बिना प्रिस्क्रिप्शन के जो नशे के आदि लोग हैं उनको एवल के इंजेक्शन बेच रहे हैं। उसी तारतम में मैं आज प्लानिंग करके कार्रवाई की गई इनके ऊपर हमारे द्वारा पंडर की सहायता। रतलाम जिले में गरीबों को मिलने वाले राशन में खराब चावल के सप्लाई का मामला सामने आया। बता दें कि जबलपुर में 2600 टन चावल पीडीएस के जरिए रतलाम भेजा गया था जिसमें इल्ली फंगस घुन लगा हुआ है। चावल की ये रैक जबलपुर से 17 जुलाई को रतलाम पहुंची थी जिसकी जांच करने पर जिला आपूर्ति अधिकारी ने पाया कि चावल की गुणवत्ता सिर्फ खराब ही नहीं बल्कि उसमें कीड़े और घुन भी लगे हुए हैं। के अंदर जो है केवल और केवल चूरी का परसेंटेज ज़्यादा है और चावल है चूँकि, तो उसमें जो धंदूरिया जिसको अपन कहते हैं इसमें 3 प्रकार के धंदूरिया होते हैं इंग्लिश में, उनके 3 प्रकार के कैटराइजेशन में केवल 1 प्रकार का धंदूरिया जीवित कीड़ा जो। रतलाम जिले के झबुआ मार्ग पर मोड़ा के पास टोल बनाकर वसूली की जा रही है जिसमें SPRDC के नियमों की अनदेखी भी की जा रही है जबकि मार्ग की हालत मौजूदा समय में बेहद खराब है लेकिन उसके बाद भी टोल बनाकर वसूली करने से ग्रामीणों में आक्रोश है। स्थानीय लोगों का कहना है कि उन्हें दिन में कई बार टोल को पार करना पड़ता है, ऐसे में हर बार वसूली की जाती है जिससे काफी दिक्कत होती है। ग्रामीणों की मांग है कि टोल के 20 किलोमीटर के दायरे में आने वाले गाँव को टोल से मुक्त रखा जाए। अधिकारियों की लापरवाही से सड़कों की हालत खस्ता है। पिछले साल छपारा में स्थित संजय सरोवर बांध में ज्यादा पानी छोड़ने जाने से भीमगढ़ से पलारी गंगई जाने वाली सड़क टूट गई जिससे आवागमन पूरी तरह बंद हो गया था लेकिन लोगों की सहूलियत के लिए प्रशासन की तरफ से उसी के पास से दूसरी सड़क का निर्माण किया गया था जिसकी लागत 26 लाख रुपए थी लेकिन सड़क एक साल में ही टूट चुकी है और जगह जगह गड्ढे हो गए हैं। पिछले वर्ष भीमगढ़ बांध से छोड़े गए पानी के कारण जो बाढ़ आई थी जिसमें भीमगढ़ का पुल बह गया और साथ ही साथ गंगई से भीमगढ़ को जोड़ने वाली रोड भी बह गई थी जिसे तत्काल माननीय विधायक केवलारी राकेश पाल सिंह जी के संज्ञान में लाया गया और उन्होंने कलेक्टर महोदय से चर्चा की। इस रोड के लिए कलेक्टर महोदय द्वारा 26 लाख रुपए का फंड अवेलेबल कराया गया जिससे इस रोड का निर्माण प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के की निर्माण एजेंसी द्वारा किया गया। पिछले वर्ष बनी इस रोड का हाल आप देख सकते हैं, पूरी तरह गुणवत्ता विहीन कार्य किया गया, 2-2 पुलियाएं बनाई गई, साथ में डस्ट मुरम सब डाला गया पर आज रोड की ये हालत है कि रोड बस से बदतर है।
मध्य प्रदेश की खास खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही, जल्द हाजिर होंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और हाँ देखते रहिए प्राइम टीवी।